ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अलग अलग बनता है। पिछले वीडियो में मैंने बिहार गवर्नमेंट वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसेस बताया था। इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बिहार में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो बताने वाला हूँ। ओबीसी एनसीएल अप्लाई करने से पहले आपके पास इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल तीनों सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, तभी ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल तीनों सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करेंगे RTPS, दो तीन लिंक आएगा, किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे। आप RTPS के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, RTPS सर्विस सेक्शन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ नॉन क्रीमी लेयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ किसी भी सर्टिफिकेट को तीन लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, पहले ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद SDO लेवल पर, उसके बाद DM लेवल पर। तीनों लेवल पर अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, ये आपके ज़रूरत पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर काम ब्लॉक लेवल वाले सर्टिफिकेट से ही हो जाता है। हम यहाँ ब्लॉक लेवल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम इंग्लिश और हिंदी में फिल करेंगे। अगर आपको हिंदी टाइप करना नहीं आता है तो मेरे इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, अपना आधार नंबर फिल करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस पूरा फिल करेंगे, अपना टेम्प्रोरी एड्रेस पूरा फिल करेंगे। अगर टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो सेम एज एवब को टिक करेंगे और टेम्प्रोरी एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अपना कास्ट और कैटेगरी फिल करेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी आपका पेशा क्या है, आप छात्र है, बिजनेसमैन है या सरकारी कर्मचारी क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। अपने फादर और मदर का नाम इंग्लिश और हिंदी में फिल करेंगे। यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ अपने फादर या पेरेंट का डिटेल फिल करेंगे, अगर वो किसी संवैधानिक पद पर है या सरकारी सेवा में है या किसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा से जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा आप ज़मीन या प्रॉपर्टी का डिटेल भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये सभी डिटेल फिल करना ज़रूरी नहीं है। अपने इनकम का सोर्स और इनकम फिल करेंगे, टैक्स देते हैं या नहीं वो फिल करेंगे। अटैचमेंट में चारों डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, आई एग्री पर टिक करके कंसेंट देंगे, वेरिफिकेशन कोड इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP रिसीव होगा, OTP यहाँ इंटर करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आधार वेरीफाइड हो जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। आपके सामने रिव्यू आ जाएगा, इससे अच्छी तरीके से रिव्यू करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। चारों डॉक्यूमेंट यानी इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल और साथ ही कोई एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड क्या अपलोड करना चाहते हैं जो भी सिलेक्ट करेंगे, चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फाइनल प्रीव्यू आएगा, इसे प्रीव्यू कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगा, इसे एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करके डाउनलोड करके रख लेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा आपको मेल पर भेज दिया जाएगा, आप सीधे मेल से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा आपके नंबर पर मैसेज में लिंक भेजा जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।